हेलो एवरीवन, नीति किचन रनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी, जो कि राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे घर में रखे हुए सामान से ही हम झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 1/3 कप घी ले लेते हैं। ये घर का शुद्ध घी है। अब हम हमारे घी को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जब तक कि वो क्रीमी ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आइस को गिलास में पानी भरकर जमा लिया है, जिससे कि हम इसे हैंडली पकड़ सकें। आप आइस क्यूब से भी इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं, और आप ये फेंटने वाला काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे 1-2 मिनट के लिए फेंट लें, जब तक कि हमारा घी अच्छी तरह से फ्लफ़ी और क्रीमी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो बटर है, घी है, वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफी और क्रीमी हो गया है। तो अब हम हमारे बर्फ़ को निकाल लेते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं हमारा घी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफी और क्रीमी हो गया है। इतना ही क्रीमी हमें इसे रखना है, तो आप पहले से ही आइस जमा कर रख लीजिए। अब हम इसमें 2 कप मैदा डाल देते हैं। गेहूं के आटे का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे अच्छा स्वाद नहीं आएगा हमारे घेवर में। तो 2 कप हमने यहाँ पर मैदा डाल दिया है, अच्छी तरह से छान लें, इसके बाद ही डालें। अब हम इसमें 1/2 कप चिल्ड दूध डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और इसका घोल बनाने के लिए हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, तो आप इसमें 2 से 3 कप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले से ही बहुत ही अच्छी तरह से पानी को ठंडा कर लें, और फिर उसमें आइस क्यूब डाल के ही उसमें पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसमें एकदम चिल्ड और ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, हमने आइस डालकर रखी हुई है। अभी हमने इसमें 1 कप डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। घेवर को बनाने के लिए इसमें फेंटने वाली जो प्रक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होनी चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ही थिक घोल अभी बना हुआ है। तो 1 कप हम इसमें ठंडा पानी और डाल देते हैं। अगर आप हाथों से अच्छी तरह से इसे नहीं फेंट पा रहे हैं, तो आप मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा घेवर अच्छी तरह से मिक्सर फेंटेगा नहीं, तो घेवर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो अगर आप हाथों से नहीं मिक्स कर पा रहे हैं, तो मिक्सी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। मिक्सी में बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है। तो अब हमने इसमें 1 कप पानी और डाल देना है। तो अभी मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है, लगभग 2.5 कप पानी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने थिकनेस के हिसाब से पानी की जो कंसिस्टेंसी, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। तो पानी हमें एकदम ठंडा ही इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट इसे फेंट लेंगे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें 1 कटा हुआ नींबू का जूस डाल देंगे, जिससे हमारे घेवर में बहुत ही अच्छी जालियाँ आएंगी। अब इसे हम 5 से 6 मिनट लगातार अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। जितना अच्छा ये फिटेगा, उतना ही अच्छा हमारा घेवर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं एकदम कंटिन्यू चलाते जा रही हूँ। घेवर का जो मिक्सचर, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अपने आप हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट करके डाल सकते हैं। तो देखिए, बैटर की जो थिकनेस है, वो अभी गाढ़ी है, तो मैंने इसमें पानी और डाल दिया है। तो ये देखिए, इसका बैटर आप बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी है, इससे ही जालियाँ बहुत ही अच्छी आएंगी। बैटर हमारा तैयार है। अगर आपको बैटर में थिकनेस लगती है, तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। घेवर बनाने के लिए हम एक पतीले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घेवर बनाने के लिए हमने घी को गर्म कर लिया है, और पतीला इतना बड़ा लेना है कि जिससे हमारा जो तेल है वो आधा रहे, और थोड़ी इसकी जो लेंथ है वो लंबी रहनी चाहिए, जिससे कि जब हम इसमें घेवर बनाएं तो बिल्कुल भी बाहर ना आए। घेवर के मिक्सचर को और भी फ्लफी और स्मूथ बनाने के लिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से चला लिया है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। घेवर बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करें। ऑयल से भी अच्छे बनते हैं, लेकिन आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालना है, बिल्कुल 2-2 टेबल स्पून करके, क्योंकि घी जो है वो ऊपर को बाहर आएगा। तो बहुत ही सावधानी से ये काम करें। तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर आप मध्य तेल में इसको डाल देंगे, तो घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, जालीदार नहीं बनेगा और नीचे बैठ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से तेल गर्म होना चाहिए। जो हमने पतीला या गंजी या जो भी चीज़ लिया है, उसमें 1/2 तेल भरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल विशेष ध्यान दें।
छोटे चम्मच का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी जो घेवर है इक्वल साइज़ में बने और बिल्कुल भी बाहर ना आए, और आप बहुत ही सावधानी से इसे बनाएं। ये देखिए आप इसमें जालियां पड़ रही हैं, और जब एक बार हम इसे डाल देना और इसके जो ये बुलबुले आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर आ रहे हैं, जब ये बिल्कुल बैठ जाएंगे इसके बाद ही हम दूसरा बैटर या दूसरा बैच डालेंगे। तो बहुत ही सावधानी से बनाएं क्योंकि तेल बहुत ही गर्म है। तो ये देखिए आप बहुत ही अच्छी तरह से तेल खोल रहा है हमारा और जालियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो बस इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। तो बस इसे डालते जाइए और बनाते जाइए। अब थोड़ा थोड़ा साइड से भी डाल दें जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से जालियाँ आए। छह से सात करछी मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए डालकर इसे बना लिया है। अब एक बेलन की सहायता से इसे हल्का सा दबा दें जिससे कि ये टूटे भी ना और अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। तो इसमें बहुत ही पेशेंसी की ज़रूरत है, आप जल्दीबाजी ना करें नहीं तो घेवा हमारा टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जालीदार है, बहुत ही क्रिस्पी है। आपको पहला वाला घेवर बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसके बाद ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। अच्छी तरह से गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आप अलट पलट के ना तलें, इसी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। तो हमारा घेवर रेडी हो गया, ये देखिए अपने आप ही ये बाहर आ गया है और आप इसकी जालियां देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब घेवर बना हुआ है ये देखिए। तो घेवर में जालियां आप देख सकते हैं, इसे एक छन्नी में उतार लेंगे जिससे कि इसका जो भी घी है वो रिड्यूस हो जाए, और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो घेवर हमारा ठंडा हो गया है और इसी तरह से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप इसके बैटर को रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिए, और जब भी इस्तेमाल करें तो आप एक बार उसे मिक्सी में चला लें और बस इसी तरह से बना लें। अब मैंने यहाँ पर दो तार की चाशनी बना ली है जिसे मैंने ठंडा कर लिया था, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। चाशनी में इसे डिप ना करें नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्रंची, बहुत ही जालीदार है, तो जो चाशनी है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चाशनी आप इस तरह से डालें। अब हम इसमें इंस्टेंट रबड़ी डाल देंगे जो कि जिसकी रेसिपी मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं आपने नहीं देखी है तो मैं इसका आपको लिंक दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही ईजिली घर में रखे हुए सामान से ही आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये तुरंत नहीं खाना है तो आप इस तरह से घेवर बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए ठंडा होने के बाद, और फिर जब भी आपका मन करे तो आप इस तरह से रबड़ी या चाशनी में डालकर आप इसे खा सकते हैं, और हफ्तों तक आप इस घेवर को एयरटाइट कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही लाजवाब राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए थोड़ा सा हम इसे ड्राई फ्रूट से और डेकोरेट कर देते हैं। घेवर बनाने के लिए पतीला थोड़ा बड़ा लेना है, तेल आधा भरना है, तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और जो हमने बैटर लिया है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ बैटर होना चाहिए, ना हो सके तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी घेवर, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।